बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन जो है प्रेस जरूर कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ आएँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ तो आप उनको देख सकें, आपका टाइम भी ज़्यादा और आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा पार्सल स्पीड में द वर्ब है। Verb is a word that says something about some person or thing. ऐसा लफ्ज जो कुछ चीज़ों के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी इंसान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। यानी आप ये कह सकते हैं कि verb is an activity of any person or thing. किसी शख्स या चीज़ की कोई एक्टिविटी जो होती है उसको verb कहते हैं। Verb कुछ kinds होती हैं, जिसमें transitive verb है, intransitive है, auxiliary verb है। Transitive verb होते हैं जिनका मीन होता है पासिंग ओवर। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच टेल अस ऑफ एन एक्शन विच पासिस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। वी ईट राइस। अब यहाँ जो है वो वी ईट हम खाते हैं, क्या खाते हैं, इसमें हमें जो है वो एक्शन जो है वो पास ओवर हो रहा है राइस की तरफ, हम चावल खाते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट की लाजमी जरूरत होती है। ही लाइक स्विमिंग, उसे तैराकी पसंद है, वो तैराकी पसंद करता है, तो इसमें स्विमिंग जो है वो उसकी तरफ है, ये पास ओवर करे एक्शन। ही लाइक्स, लाइक्स वर्ब हो गया। इस तरह दे वांट सम मनी, दे वांट वो चाहते हैं। अब ये हमारा मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव में होता है कि ऑब्जेक्ट लाजमी होता है उस वर्ब के बाद। दे वांट सम मनी, इस तरह आई किल्ड, मैंने मार दिया, किसको मार दिया, ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। आई किल्ड अ स्नेक। सेकेंड इसकी काइंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें एक्शन पास ओवर नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत खास नहीं होती। जैसे भी कह लें डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब डॉग्स बार्क किस पर भौंकते हैं वो ना भी हो, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत खास नहीं है। वैसे ही हमारा जो है वो ऑटो क्लियर हो रहा है। इस तरह द बॉयज रन, बच्चे दौड़ते हैं। दे प्ले, वो खेलते हैं। तो इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह कुछ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसमें टू बी है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इसमें देखते हैं कि वर्ब्स के इस्तेमाल हमने कैसे करना है। जैसे हमारा रूल नंबर वन है ही लव्स डैश कंट्री। अब जो इसमें आप देखें ही लव हिज कंट्री कर लें इस तरह इसको, तो ही अब ये उसकी हैबिट है। यानी जो आपकी एक हैबिट हो, डेवलप हुई हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको लेके जाएगी। ही लव्स हिज कंट्री। इस तरह जब दे है तो दे के साथ हम लव लगाएंगे, लव्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई वी दे यू या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसके साथ एस या एस के एडिशन नहीं है। तो दे लव देयर कंट्री। इस तरह ही राइटिंग अ लेटर, ये इनकरेक्ट है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। इस तरह जो हमारा रूल नंबर टू है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज जनरली इन द प्लूरल नंबर। यानी जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर इसम एंड से मिलाए जाएं, तो उनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसे शी एंड हर सिस्टर डैश सिंगिंग, तो इसमें क्या आएगा, इज सिंगिंग नहीं आएगा, आर सिंगिंग, क्योंकि दो जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स वो एंड से मिलाए जा रहे हैं। इस तरह टाइम एंड टाइड, वक्त और जवार बाटा, यानी वक्त और मुसीबतें जो हैं वो इस तरह की मुश्किल जो हैं डैश फॉर नो मैन। तो टाइम एंड टाइड वेट, क्योंकि टाइम एंड टाइड एंड से मिलाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम वेट लगाएंगे, वेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह टू एंड टू मेक फोर, तो इसमें मेक्स नहीं लगेगा क्योंकि टू एंड टू एंड से मिलाए जा रहे हैं, तो टू एंड टू मेक फोर। शाहिद एंड जाहिद आर नॉट फ्रेंड्स, तो इसमें इज नॉट नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि शाहिद एंड जाहिद एंड से दो नाउन जो है वो मिलाए जा रहे हैं, तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आएगा।
नेक्स्ट जरूर है हमारा उसमें इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, यानी जब दो सिंगुलर नाउन मिलकर किसी एक चीज का तसव्वुर पैदा करें या किसी एक ही शख्स की तरफ इशारा करें तो फेल जो है वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा. माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश फेल्ड, मेरा दोस्त और मोहसिन, वो एक ही बंदे की दो क्वालिटीज है. Has failed, I guess me. The secretary and treasurer of the society dash resigned. अब जो सेक्रेटरी है जो खजांची है सोसाइटी का उसने इस्तीफा दे दिया है तो has resigned आएगा क्योंकि एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज हैं. इस तरह the principal and warden dash coming. अब प्रिंसिपल भी वही है और वार्डन भी वही है चूंकि द प्रिंसिपल एंड वार्डन. अगर होता है द प्रिंसिपल एंड द वार्डन फिर प्रिंसिपल अलहदा होता है और वार्डन अलहदा, दो शख्सियात होती. यहाँ एक ही शख्स की दो क्वालिटीज हैं, एक ही शख्स के दो ओहदे हैं. द प्रिंसिपल एंड वार्डन इज कमिंग. द पोएट एंड फिलोसफर डैश डेड. अब वही शायर है वही फिलोसफर है. द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड. लेकिन जब ये होगा द पोएट एंड द फिलोसफर फिर आर डेड आएगा क्योंकि शायर अलहदा है और फिलोसफर अलहदा है. नेक्स्ट रूल है इफ द टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया और बोथ हैव द सेम मीनिंग द वर्ब वुड बी सिंगुलर. यानी अगर दो सब्जेक्ट है और एक ही ख्याल का इजहार करें तो दोनों के एक ही मानी हो तो वर्ब वाहिद आएगा, जैसे स्लो एंड स्टडी. अब एंड से स्लो भी मिलाया जा रहा है स्टडी भी, लेकिन उसका टारगेट एक है मीनिंग एक है. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इस तरह हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, उसकी ताकत और उसका असर डैश ग्रेट इज ग्रेट आएगा, आर ग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो एक ही बंदे के खूबियां और एक ही बंदे उसमें एक ही जो है वो सेंस हमें दे रहे हैं. इस तरह हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इज वेल नाउन. क्यों इज आएगा? क्योंकि उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो दयानतदारी है. अब एक ही बंदे की वो खूबियाँ और एक वो एक ही मीनिंग हमें दे रही हैं, इसलिए इसके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा. नेक्स्ट में है व्हेन द टू सब्जेक्ट फ्रॉम टुगेदर अ सिंगल होल द वर्ब इज सिंगुलर. यानी जैसे आप देखें ब्रेड एंड मिल्क डैश इज ओनली फूड. अब दोनों की सेंस एक ही है, दोनों लाजमी मुलज़ूम है, तो ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली फूड. इस तरह ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफस्ट. यानी ब्रेड और मक्खन जो है उसका नाश्ता. अब दोनों का कॉम्बिनेशन एक है, दोनों की सेंस एक है, तो इसलिए इज आएगा. आप ये नहीं कहेंगे कि ब्रेड एक अलहदा चीज़ और मक्खन अलहदा है तो इसलिए इसके बाद हम आर लेंगे, नो इट्स इनकरेक्ट. इस तरह द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर. घोड़ा और बग्घी, अब बग्घी जो है वो घोड़े के साथ अटैच है तो इसलिए इज एट द डोर आएगा. नेक्स्ट रूल है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब शुड बी सिंगुलर. यानी जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एंड के जरिए मिलाए जाएं और इनसे पहले ईच या एवरी हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा. जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज रेडी, नॉट वर वॉज रेडी आएगा. ईच डे एंड ईच आर Bring its beauty. तो brings आएगा, bring नहीं आएगा क्योंकि each दोनों सब्जेक्ट के साथ लगा है, एंड से मिलाए जा रहे हैं तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा. इस तरह एवरी मैन कॉमा वोमैन एंड चाइल्ड. अब इसमें असल जो है वो हमारा, अब देखिए एवरी मैन हर आदमी, वोमैन औरत, एंड चाइल्ड और बच्चा डैश लॉस्ट गुम हो गया, वॉज लॉस्ट. ओके एवरी के साथ, एवरी की वजह से हम इसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाएंगे. इस तरह एवरी बुश एंड एवरी ट्री वॉज इन बड. अब इसमें एवरी है चूंकि एवरी बुश एंड एवरी ट्री वॉज वर नहीं आएगा. नेक्स्ट रूल है इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड नॉट एज वेल एज विद टुगेदर विद नो लेस देन बिसाइड्स इन एडिशन टू. यानी इन कनेक्टर्स के साथ दो सब्जेक्ट्स आपस में मिलाए जाएं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा. इसको सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं. जैसे द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द सिनेमा.
अब ये करेक्ट है क्योंकि एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा था, टीचर और द स्टूडेंट्स को, और हमारा जो सब्जेक्ट वन है उसके मुताबिक है वर्ब आएगा, तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द सिनेमा, द कैप्टन एज वेल एज द क्रू, क्रू कहते हैं अमला, जैसे किसी भी बहरी जहाज का अमला होता है, वार ड्रोन्ड। अब द कैप्टन और द क्रू जो है इसको एज वेल एज से मिलाया जा रहा है। अब पहला जो सब्जेक्ट है वो द कैप्टन है, तो उसके मुताबिक हम जो है वो वर्ब लगाएंगे, द कैप्टन एज वेल एज द क्रू वाज ड्रोन्ड, क्योंकि कैप्टन सिंगुलर है। इसी तरह द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट, द स्टूडेंट्स एंड नॉट क्या है, इसमें कनेक्टर है, द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर, अब टीचर और द स्टूडेंट्स को आपस में एंड नॉट से मिलाया जा रहा है। द टीचर द स्टूडेंट्स जो है वो हमारा पहला सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक क्या आएगा, द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वर प्रेजेंट, ही एंड नॉट यू डैश वॉन द प्राइज, तो पहला सब्जेक्ट हमारा एंड नॉट से पहले कौन है, ही एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज, द मदर विद हर टू डॉटर्स डैश सिटिंग देयर, अब माँ अपनी दो बेटियों के साथ वहाँ बैठी हुई है, तो द मदर हमारा पहला सब्जेक्ट है, विद हर टू डॉटर्स, विद के साथ है हर टू डॉटर्स, यानी विद दरमियान में कनेक्टर का काम दे रहा है, द मदर विद हर टू डॉटर्स इज सिटिंग देयर, शाहिद नो लेस देन आई एम टू ब्लेम, नो इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि शाहिद नो लेस देन से पहले शाहिद पहला सब्जेक्ट है हमारा, सो शाहिद नो लेस देन आई इज टू ब्लेम। तो इस तरह नेक्स्ट हमारा रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर, नॉर और यानी ओ आर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट बट द प्लूरल सब्जेक्ट इफ देयर इज एनी शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, एंड जब दो नाउन को और ईदर और नीदर नॉर या और या नॉर के जरिए मिलाया जाए तो फेल जो है वो सेकेंड सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। हाँ, फिक्रे में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसको वर्ब के करीब रखा जाता है, जैसे ईदर ही और आई डैश राइट, ईदर ही और आई, अब हमारा करीब तीन जो सब्जेक्ट है वो आई है, ईदर ही और आई एम राइट। इस तरह नीदर ही नॉर दे वाज रेडी टू डिस्कस द मैटर, अब दे के साथ वाज नहीं लगेगा क्योंकि जो करीब तीन है सब्जेक्ट वो दे है, नीदर ही नॉर दे वर रेडी टू डिस्कस द मैटर। इस तरह राबिया और हर सिस्टर्स वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, अब राबिया और हर सिस्टर्स, हर सिस्टर करीब तरीन सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव आएगा, हैव डन हैव प्रेजेंट, सॉरी इसमें राबिया और हर सिस्टर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, रिजवान और हिज ब्रदर्स हैज done this, has नहीं आएगा क्योंकि brothers हैं तो have done this, neither Zahid nor his friends was hurt, no it's incorrect, ना ही Zahid ना ही उसके दोस्त friends हैं तो was नहीं आएगा were आएगा, neither he nor you is to blame, अब neither nor के सवाल है और you के साथ is नहीं आएगा, you के साथ are आएगा, करीब तुम जो subject है वो you है। नेक्स्ट रूल है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, यानी अगर फिक्रे में नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब जो अपनी जो नियरेस्ट है सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आएगा, जैसे नॉट ओनली असलम बट आल्सो यू इज टू ब्लेम, नो इट्स इनकरेक्ट, यू आर टू ब्लेम, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई इज टू ब्लेम, नो क्रिएटिंग सब्जेक्ट कौन सा, आई एम टू ब्लेम आएगा, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वर लाफिंग, नो टीचर वॉज लाफिंग, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक रहेगा। नेक्स्ट रूल है, ईदर नीदर ईच एवरी एवरी वन मैनी मस्ट बी फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, यानी ये जो जैसे इधर है नीदर है ईच एवरी एवरी वन और मैनी ए के साथ हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, जैसे इधर ऑफ दीज टू रोड्स, इन दो सड़कों में से कोई एक सड़क जो है
लीड टू द पोस्ट ऑफिस, वो डाकखाने की तरफ जाती है, तो लीड नहीं आएगा, लीड्स सिंगुलर आएगा वर्ब। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर श्योर टू पास, इन बहनों में से, इन दो बहनों में से कोई भी जो है वो कोई एक इससे मुराद है, इज श्योर टू पास, यकीनन कामयाब हो जाएगी। ईच ऑफ देम हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तो ये इनकरेक्ट है, देम उनमें से हर एक में हैज सिक्योर्ड आएगा फर्स्ट वीएम। ईच ऑफ द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ईच ऑफ द क्वेश्चन, तो सवालों में से हर सवाल जो है वो इज कंपल्सरी आएगा। इस तरह मैनी ए पर्सन विजिट द फैसल मॉस्क एवरी ईयर, तो मैनी ए के बाद जब मैनी आ रहा फिटर में तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर या वर्ब सिंगुलर आता है। मैनी ए पर्सन विजिट्स द फैसल मॉस्क एवरी ईयर, मैनी ए बॉय वर प्रेजेंट देयर, तो इनकरेक्ट है, मैनी ए बॉय वॉज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट रूल है, सम सब्जेक्ट्स लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली डिनोट अ सिंगुलर नंबर, मस्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन उनको अगर आप देखें तो वो आपको प्लूरल नजर आते हैं लेकिन मानी के लिहाज से वो सिंगुलर होते हैं। इनके बाद फेल भी जो है वो वाहिद इस्तेमाल होता है, जैसे द न्यूज़। अब न्यूज़ में आप देखेंगे कि खबरें खबर दोनों के लिए एक ही आता है, तो द न्यूज़ इज ट्रू आएगा, आर ट्रू नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ नहीं होगा, यानी जब गुनाह का सिला हो, जब सिले के तौर पे वेजेस आए तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और जब वेजेस जो है वो उजरत के तौर पे आए, हिज वेजेस आर लेस, उसकी जो तनहा है बहुत, उसकी जो उजरत है बहुत थोड़ी है, तो फिर आर आएगा जब ये तनहा के तौर पर आएगा। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अब नाइट से आप ये समझना कि ये जो है ये पता नहीं प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर सेंस दे रहा है। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, अब पॉलिटिक्स जो है वो उसके साथ हम जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो इन सब के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। इस तरह 10 rupees इज नॉट अ लार्ज सम, 10 rupees को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो 10 rupees आप इसको प्लूरल में लेना, ये सिंगुलर में लिया जाएगा, इज इसके बाद यूज होगा। इस तरह पेन्स और मीन्स, यानी पेन्स, पेन्स होते हैं तकलीफें, ट्रबल्स, मीन्स सोर्सेज जराए, इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, मीन्स का मतलब होता है जब उसका मतलब आमदनी हो, इनकम हो, तो जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, जैसे मच पेन्स, तो हैव बीन नहीं आएगा, मच पेन्स हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। देयर इज अ पेन इन द नी, अब पेन क्यों है, अब पेन के साथ ऐसे यहां क्यों नहीं लगा, यहां पेन से मेरा दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, देयर इज अ पेन इन द नी। इसी तरह ऑल पॉसिबल मीन्स has been tried नहीं होगा, have been tried means जराए, every means has been tried, मैंने हर जरिया जो था आजमा लिया, तो इसमें have been नहीं आएगा, has been आएगा। इस तरह his means were reduced, उसके जराए कम कर दिए गए, तो was reduced नहीं आएगा, his means were reduced। next rule है, when two subjects of different numbers and persons or both are joined together by and, the verb must always be in the plural, जैसे he and I are well, not is well, जब and से दो मिलाए जा रहे हो तो helping verb plural आएगा, you and he are well, अब क्योंकि and से मिलाए जा रहे हैं आपने ये नहीं देखना कि he करीब तीन subject है, you and he are well, तो he is well होना चाहिए, no, and से मिलाए जा रहे हैं are आएगा। Next rule है, sometime when a plural noun comes between a verb and its real subject, the verb is wrongly made to agree with the plural subject, यानी बाद दफा verb को गलती से क्रीप्रीन नाउन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है जबकि असल फाइल कोई और होता है,
इसलिए आपने असल फाइल के मुताबिक है वह आप इस्तेमाल करना। जैसे द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड, अब यहाँ असल फाइल हमारा मैंगोज नहीं है, क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट द आई। अब प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, अ वेराइटी ऑफ, जिसका करेक्ट क्या होगा, अ वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स द आई। अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स वर मैचिंग टू बॉर्डर्स। अब सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अ कंपनी ऑफ हमारा सब्जेक्ट है, अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स वॉज मैचिंग टू बॉर्डर्स। नेक्स्ट रूल है अ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन मीनिंग जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, बट व्हेन वी विश टू स्पीक पर्टिकुलरली ऑफ एवरी इंडिविजुअल नंबर ऑफ द ग्रुप और कलेक्शन इंडिकेटेड बाय द कलेक्टिव नाउन इट मे टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं बल्कि मोस्टली उनके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है या वर्ब भी, लेकिन उस वक्त जब वो अपनी राय में अपने फैसले में या एक ही काम कर रहे हो तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन जब वो अलग-अलग काम कर रहे हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, मुंतशिर हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे द पार्लियामेंट डैश नाउ इन सेशन, अब सारा पार्लियामेंट जो है उसका इजलास चल रहा है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। द कमेटी वाज यूनैनिमस इन इट्स ओपिनियन, तो वर नहीं आएगा, कमेटी जो है वो अपने फैसले में मुतफिका है, वो टूट फूट का शिकार नहीं है, सारे मुतफिक हैं। द कमेटी वाज यूनैनिमस इन इट्स ओपिनियन। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस यानी मोर देन वन जज, टू जज भी हो सकते हैं, थ्री भी, फोर भी, अब वो अपनी राय में तकसीम हो गए तो वर आएगा, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड है, अगर वो यूनैनिमस थे तो वाज यूनैनिमस, फिर वाज आएगा। इस तरह द क्लास इज रनिंग हेयर एंड देयर, अब क्लास जो है वो इधर उधर भागी है तो इज नहीं आएगा, द क्लास आर, चूंकि क्लास कलेक्टिव नाउन है और वो सारे काम नहीं कर रहे। इस तरह द फ्लॉक आर ईटिंग ग्रेन्स, जो मुर्गियों का फ्लॉक है वो अनाज खा रहे हैं, द फ्लॉक इज ईटिंग ग्रेन्स। अब जब एक ही काम कर रहे हैं तो फिर जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, जब मुख्तलिफ काम कर रहे होंगे तो फिर प्लूरल आएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारा रूल है व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल इट जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी जब कोई नाउन प्लूरल किसी मकदार को मजमूई तौर पर जाहिर करे तो आमतौर पर जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। जैसे 100 पाइस इज इक्वल टू 1 रुपी, अब 100 पाइस, अब ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है, ये प्लूरल 100 की वजह से, लेकिन इशारा सिंगुलर की तरफ है तो इज इक्वल टू 1 रुपी। 4 ईयर्स वर अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू बी सेपरेटेड, तो 4 ईयर्स वाज वर नहीं आएगा क्योंकि वो ड्यूरेशन नो डाउट 4 ईयर्स प्लूरल की तरफ इशारा है, लेकिन जो इसका असल मानी है वो 4 साल का दौरानिया है, तो 4 ईयर्स वॉज अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू बी सेपरेटेड। 60 क्विंटल्स आर अ ह्यूज वेट, 60 क्विंटल बहुत बड़ा वजन होता है तो इज अ ह्यूज वेट आएगा। इस तरह 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये इनकरेक्ट है, 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, चूँकि ये आमतौर ये जो है वो मजमू मकदार को ज़ाहिर कर रहा है, मजमू तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। 50 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज अमाउंट, 50 रुपीज़ इज नॉट, क्योंकि ये मजमू तौर पे सिंगुलर की तरफ इशारा है, 50 रुपीज़ इज नॉट अ लार्ज अमाउंट। लास्ट रूल है हमारा वर्ब में व्हेन द सब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द नाउन और प्रोनाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स with the antecedent of the relative pronoun, जैसे रिजवान who dash my son will help you, रिजवान जो कि मेरा बेटा आपकी मदद करेगा, अब आएगा रिजवान who, आर नहीं आएगा इज आएगा, रिजवान जो कि मेरा बेटा है। I who dash at your service should not be ignored, तो I हमारा सब्जेक्ट है, who am at your service, who is नहीं आएगा।
She is one of the most respectful girl that has ever been my student. तो इसमें she is one of the most respectful girl नहीं होगा girls, यानी लड़कियों में से वो एक लड़की है that have ever been my students, यानी जो students रही हैं मेरी हमेशा से, तो उनमें ये that have आएगा. So that is what we have in verbs. मैंने उसकी kinds भी discuss की और मैंने उसका use भी समझाया. Hopefully आपने understand किया होगा. मेरे channel AQ Media को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप लर्न इंग्लिश एंड इट्स रूल्स सीखना मत भूलें. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.